ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा विधानसभा उपचुनाव 2021 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी ने नुक्कड़ सभाएं की। विधानसभा उपचुनाव 2021 और इसको लेकर जो चुनावी प्रचार है वो भी चरम पर है। चुनावी सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी ने नुक्कड़ सभाएं की और रायपुर पंचायत समिति की 3 पंचायतों में सभाएं की गई है। गायत्री देवी की तरफ से स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। साथ में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट दरीबा पंचायत के गुहली गांव पहुंचे, यहां पर गुर्जर समाज के कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही जीत का दावा भी लगातार किया जा रहा है। और इसी पर भीलवाड़ा से मेरे सहयोगी नवीन जोशी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख में सीधे करती हूँ। नवीन, किस तरीके से वहां पर प्रचार का शोर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दावा जीत का है और इसीलिए जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो भी तेज। तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं आज के तमाम सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। दीपा, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बड़ी सभा हुई थी, उस बड़ी सभा के बाद में और जिस तरह से इसमें प्रदेश के प्रभारी अजय माकन ने इस सभा को संबोधित किया, इस सभा के बाद में कांग्रेस में एक अलग तरह का जोश देखा जा रहा है और जो प्रभारी हैं, जो चिकित्सा मंत्री और प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ में जो बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र राठौर, उनकी देखरेख में चुनाव की पूरी रणनीति पे काम किया जा रहा है और इसी के तहत आज जो प्रत्याशी है कांग्रेस की गायत्री देवी त्रिवेदी, स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी की धर्मपत्नी है, इन्होंने करीब एक दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया सुबह से अब तक। अभी भी उनकी एक सभा बीटा गांव में चल रही है और उस सभा में जो पूर्व अभी वर्तमान के रायपुर के पंचायत है शिव सिंह वो मौजूद है, पंचायत समिति मेंबर कुलदीप त्रिवेदी उस सभा में मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं। इस सभा के दौरान जहां अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा पिछले 2.5 साल में जो काम किए गए रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र में, रायपुर विधानसभा के जो सारड़ा विधानसभा क्षेत्र है इसमें जो जो काम किए गए उनका ब्यौरा पेश किया जा रहा है और उन्हीं काम के आधार पर गायत्री देवी त्रिवेदी यहाँ वोट मांग रही है। दीपा, बिल्कुल, और लेकिन लगातार सभाएं तो होंगी नवीन, लेकिन उन सभाओं में भीड़ कितनी जुट रही है, वो बात मैं कांग्रेस की करूं या फिर बीजेपी की करूं, रतनलाल जाट हो या फिर गायत्री त्रिवेदी, दोनों की तरफ से सभाएं लगातार की जा रही हैं, जो भीड़ वहां पर जुट रही है, क्योंकि चुनाव से पहले जो भीड़ जुटती है उसी से कहीं ना कहीं अंदाजा भी लगाया जाता है कि आखिर परिणाम क्या होने वाले हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दीपा, अभी जो पिछले आज सुबह से अब तक जो करीब आधा दर्जन से अधिक सभाएं हुई है गायत्री देवी त्रिवेदी की, इन सभाओं में खासा समर्थन खासतौर से महिलाओं का खासा रुझान देखा जा रहा है, महिलाएं पहुंच रही है। दीपा, ये मेवाड़ में अभी फसल के कटाई का समय है, उसके बावजूद जो उत्साह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को बीच में देखने को मिल रहा है, खासतौर से गायत्री देवी त्रिवेदी को लेकर और उनको लेकर, ये उसका देखने लायक है और इसको लेकर उत्साह खराब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है नवीन, आप रहिए।